तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आपका स्वागत करते हैं मार्केट का ज्ञान के चैनल में। और इसी मार्केट का ज्ञान के चैनल में आज आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही अच्छे पेन शेयर के बारे में जो आपको मल्टी वेगा रिटर्न दे सकता है, जिस कंपनी का मार्केट कैप्चर है 18.8 करोड़, वहीं करंट प्राइस है 1 रुपया 21 पैसा, जबकि हाई गया है 2 रुपया 25 पैसा और अधिक लो गया है 0.34 पैसा। फेस वैल्यू है कंपनी की 1 रुपया, जबकि आरओई है -0.96% और कंपनी की बुक वैल्यू है 1.07, आरओसी है -0.82%, जबकि स्टॉक प्राइस रेशियो अभी 0 दिखा रहा है। दोस्तों मतलब समझ सकते हैं प्रदर्शित नहीं हो रहा, जिसका बहुत ही ज़्यादा मुझे उम्मीद रहता है। स्टॉक प्राइस रेशियो से ही हम इस शेयर को बाई या सेल करते हैं, वो अभी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 8 जनवरी 2021 1 रुपया 1 पैसे के आसपास ये शेयर था और अभी दोस्तों यह शेयर कितना ज़्यादा उछाल में आया है। 1 रुपया 21 पैसे भी इस शेयर को टहलते हुए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों, आसपास की ट्रेडिंग हो रही है और लगातार इसमें बाई भी खरीदारी भी जोर जोर से हो रही है। खरीदारी देख सकते कितनी जोर से आई है। अगर कंपनी की एनालिस की बात करें तो कंपनी लगातार कर्ज करने की कम में है और कंपनी अगर मोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी कर्ज मुक्त है। वहीं 1.13 टाइम्स कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास मिली है। वहीं ये से लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्षेत्र से भी आती है। वहीं इसकी पुअर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आखिरी 5 साल में इसकी -42.37% की सेल गिरावट नजर आई है। वहीं कंपनी की लो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो -1.48% थी, जबकि इसका कंपनी हाई पर डिविडेंड डेट 27.96 दिनों का था। वहीं सेक्टर ट्रेडिंग से आती है दोस्तों, इंडस्ट्री भी ट्रेडिंग की है। वहीं इसकी क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर्स में सेल कंपनी ने सितंबर 2021 में 0 लाख रुपए की थी या 0 रुपए की थी, जबकि इसमें खर्चा भी 29 लाख रुपए का किया था। इसी तौर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है -29 लाख रुपया। अगर कंपनी की इंटरेस्ट की बात करें तो 1 लाख रुपए कंपनी का इंटरेस्ट है, वही कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 रुपया है, जबकि कंपनी के अगर टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 30 लाख रुपए कंपनी को घाटा हुआ है। बहुत ही बड़ा घाटा हुआ है कंपनी को, 30 लाख रुपए का घाटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्राफ में और हमारी स्क्रीन पर। वहीं अगर इसके मार्च 2019 की बात करें तो ईपीएस 2 लाख रुपए का था, वही जबकि इसकी सेल्स हुई थी 62 लाख रुपए की। वही अधिक से अधिक सेल में गिरावट नजर आती हुई सितंबर 2021 के क्वार्टर में। वही अगर इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, उसमें 1 साल के अंदर कंपनी ने 1 करोड़ 62 लाख की सेल्स की थी, जबकि ऑपरेटिव प्रॉफिट 1 करोड़ 76 लाख का था। उसमें से खर्चा हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल दोस्तों 14 लाख रुपए कंपनी को घाटा हुआ। वही टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 लाख रुपए कंपनी को बहुत ही जबरन घाटा हुआ। 16 लाख रुपए घाटा से निकलते हुए कंपनी अभी तक कवर अप नहीं कर पाई है। लगातार घाटे की वजह से कंपनी एक पेनी स्टॉक बन चुकी है, या कह दीजिए पेनी स्टॉक या ऑलरेडी थी। पेनी स्टॉक दोस्तों इसीलिए रिस्क स्टॉक होता है क्योंकि इसमें रिस्क अधिक होता है, कंपनी का ग्रो करने का चांस भी कम, बहुत ही कम होता है। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और अच्छी कंपनियों में निवेश करें। वहीं अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, टोटल एसेट्स है कंपनी के पास 23.21 करोड़ कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं, जबकि मार्च 2021 में 22.69 करोड़ कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे। वहीं नेट कैश फैलो की बात करें तो इसकी मार्च 2010 में 0 लाख रुपए की नेट कैश फैलो थी। वहीं कंपनी की अगर रेशियो की बात करें, आरओसी है -0.82%, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेशियो मान रहा हूँ मैं, आरओसी बहुत ही बेहतरीन है कंपनी की। वहीं मार्च 2020 में -0.47% थी, जो कि बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही ज़बरदस्त कवर कर रही है। वहीं कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात आते हैं, 54.64% मात्र प्रमोटरों की होल्डिंग है, आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 45.36% है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटरों के मालिक या कंपनी को मालिकों ने इस पर ज्यादा भरोसा जताया है और बहुत ही लगातार प्रदर्शन कर रही है। सन रिटेल लिमिटेड दोस्तों उस कंपनी का नाम है, सन रिटेल लिमिटेड, बीएससी का कोड है 54-20-25। वही इस कंपनी को आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर, वो कंपनी के अच्छे से फंडामेंटल आप भी जांच कर सकते हैं। इसी तरह सर रिटेल लिमिटेड दोस्तों नाम याद रख लीजिए। और वहीं हम इस कंपनी के अबाउट पर आते हैं तो ये दोस्तों देख सकते हैं ट्रेडिंग सेक्टर से आते हैं, इसीलिए मैंने कहा सर रिटेल इज इंक्लूडेड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन्फ्रो रिफाइंड फिल्टर। वहीं अगर इसके अच्छी वैल्यू ग्राफ की बात करें,
कंपनी नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट स्टॉक इन ओवरबाउट जोन। ये दोस्तों कंपनी ओवरबाउट जोन में अभी भी चल रही है, अभी इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया म्यूचुअल फंड और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए सोच समझ कर निवेश करें। प्रमोटरों की होल्डिंग 54.64% है, जिसमें से एक भी परसेंटेज होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। वहीं अगर हम बात करें रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स की तो 45.36% रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, जबकि उनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आती है 11.70%। वहीं अदर पार्टीज की होल्डिंग आती है 33.66%। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये पेनी शेयर है दोस्तों, और इसमें जो सोच समझ कर और बहुत ही धैर्य के साथ निवेश करें, क्योंकि इसमें पेनी शेयर है आपको खतरा भी ज़्यादा रहता है, रिस्क भी है दोस्तों, करोड़पति बनने का चांस भी है। आप सोच समझ कर निवेश करें। धन्यवाद।